पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर में 84 वर्षों से गंगा उत्सव मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि 84 वर्ष पहले गंगा जी इसी दिन पृथ्वीवर हुई थी। आज ये गंगा घाट पर विद्वानों पंडितों द्वारा अखंड ज्योति की स्थापना की गई है, जो अखंड ज्योति के रूप में जलती रहेगी। इस दिन का बहुत महत्व है और यहाँ आरती के लिए बनारस से विद्वान पंडित जी बुलाया जाते हैं और 56 भोग का प्रसाद वितरित किया जाता है। बुलंदशहर के राजघाट में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा जन्मोत्सव मनाया गया। गंगा जन्मोत्सव के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा जी में स्नान को आते हैं और बड़े ही धूमधाम से माँ गंगा के दर्शन करते हैं। ये मेला 3 दिन तक लगता है और यहाँ मुख्य बाजारों से होकर बैंड बाजों के साथ झांकियां निकाली जाती हैं। विशेष तौर पर माँ गंगा की आरती के लिए बनारस से पंडित जी को बुलाया जाता है, जिनके द्वारा इस दिन माँ गंगा की विशेष आरती की जाती है, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर से और बाहर से आते हैं। चारों ओर गंगा घाट पर जागरण और भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं वागीरथि गंगा ट्रस्ट के अध्यक्ष LN शर्मा द्वारा घाट की साफ सफाई से लेकर कार्यक्रम के आयोजनों तक इनका विशेष सहयोग रहता है। LN शर्मा ने बताया कि यहां 84 वर्षों से विशेष रूप से बैंड बाजों के साथ झांकियां, जागरण, भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस विशेष दिन पर गंगा जी में स्नान करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा मैया का सदैव उन पर आशीर्वाद बना रहता है और ये गंगा घाट पर भागीरथी सेवा ट्रस्ट द्वारा पूर्ण भागीरथी निभाई जाती है। इस विशेष गंगा जी जन्मोत्सव पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भागीरथी सेवा ट्रस्ट द्वारा एवं प्रशासन के सहयोग से यहां उनके ठहरने की व्यवस्था भी की जाती है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, पूर्ण व्यवस्था की जाती है। हर वर्ष यहाँ लोगों का तांता लगा हो रहता है और इस विशेष पर्व पर लोगों में माँ गंगा की आरती देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। जन्मोत्सव है और लास्ट 84 साल से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। आज के दिन गंगा जी हमारी पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ था, उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम पिछले 84 वर्षों से माँ भगवती गंगा जी का बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते चले आ रहे हैं और ऐसे ही मनाते चलने की आगे भी हमारी कामना है। आज हमने यहाँ अखंड ज्योति की स्थापना की है, जो कि मंत्रों के द्वारा हमने जो विद्वान आए हुए हैं उन्होंने ज्योति प्रज्वलित करके और अखंड ज्योति स्थापित की है। ये अनवरत आज से चलती रहेगी, 24 घंटे ज्योति की स्थापना रहेगी। हम लोग एक भागीरथी सेवा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो हमारी भागीरथी सेवा ट्रस्ट में जितना हम लोग धन एकत्रित करते हैं अपने इष्ट मित्रों रिश्तेदारों से, उसी से हम यहाँ की व्यवस्था करते हैं। चाहे यहाँ का भोजन वितरण हो, चाहे गंगा जी की सौंदर्यता हो, गंगा जी की झांकी हो, बैंड बाजे हो, जो गंगा जी की झांकियाँ हम धूमधाम से मनाते हैं, या यहाँ पे जो भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं। बनारस से हमने गंगा जी के आरती के लिए बनारस की आरती हमने यहाँ स्थापित की है और विभिन्न कहना चाहिए विद्वानों के द्वारा यहाँ पर आज का गंगा जी का प्रातकालीन पूजन, मध्यकालीन पूजन, गंगा जी का दूध की धार अभिषेक कराया गया है। आप पैरामी देख रहे होंगे, दोनों तरफ गंगा जी की पैरामी यहाँ साड़ियों से की गई है, इस धार से लेकर उस धार तक। और शाम को माँ आरती का आयोजन प्रत्येक वर्ष इसी तरह किया जाता है। 56 भोग लगाए जाते हैं माँ भगवती के, यही हम बनवाते हैं, जैसे कि में बना के 56 भोग लगाते हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सबको हम बांटते हैं। सुबह से ही यहाँ पर चलता है।